अगर आप भी बनो काफिल लाहौर का एंट्री टेस्ट प्रोवाइड आउट करने वाले तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आपने किस तरीके से बनो काबिल लाहौर प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को जो कि संडे 5 नवम्बर को मीनार पाकिस्तान पे कंडक्ट किया जाएगा उसको एस करना है। इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ जो की एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे और आपने किस तरीके से उनके आंसर को यहाँ पे कंटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली। इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बनो काबिल कराची में एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंडक्ट किया गया था उसके अंदर 95% पेपर वही कंडक्ट किया गया है जो कि मैंने अपने चैनल के ऊपर बताया है। तो सेम इसी तरीके से बनो काबिल लाहौर के लिए भी आपने मेरे वीडियोस को फॉलो अप करना है ताकि आप भी अपना 95% जो आपका पेपर है उसको एस कर सके और बनो काबिल के अंदर एडमिशन ले सके। कम्प्लीट डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड आउट करी इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ आप मेरे चैनल से लाजमी बनो काबिल एग्जाम आंसर 2023 की वीडियो को चेक आउट कीजिए जो कि 10 सितंबर के दिन कंडक्ट किया गया है बनो काबिल के अंदर। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपसे लाहौर के कंडक्ट टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को भी लाजमी चेकआउट कीजिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आप किस तरीके से बनो काबिल लाहौर के एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश मैथ्स एंड कंप्यूटर के साथ साथ कुछ अनेक क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बेसिक इस्लामियात एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड कंडक्ट किए जाते हैं। तो चलिए अपने वीडियोस को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस बताती हूँ और उनके आंसर्स बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है द न्यूली इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन साउंड वेरी डैश। यहाँ पर आपके पास 4 स्पेलिंग ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके पास इंटरेस्टिंग। बेसिकली जुमले में इंटरेस्टिंग का वर्ड आएगा बस वो 4 डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स में लिखा होगा तो आपने करेक्ट स्पेलिंग को चूज करना है। सेकंड क्वेश्चन है शी डैश हर मोबाइल फोन यस्टरडे। शी लॉस हर मोबाइल फोन यस्टरडे एट द टाइम ऑफ इट एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान बिकम द डैश ऑफ द मुस्लिम स्टेट। ग्रेटेस्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ग्रेटेस्ट में भी यहाँ पर 4 आपके पास स्पेलिंग दी गई होंगी, करेक्ट स्पेलिंग को यहाँ पर बताना है। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है इफ वी गो टू द पार्क डैश यू लाइक टू कम टू, इफ वी गो टू द पार्क वुड यू लाइक टू कम टू विल बी योर करेक्ट आंसर। अदर ऑप्शन में विल वुड वू आपके पास अवेलेबल है। फर्दर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड डैश वन अनदर, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू वन अनदर विल बी योर करेक्ट आंसर। मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंग्लिश मैथमेटिक्स कंप्यूटर एंड जर्नल ऑल साथ साथ इस्लाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो एक एक कर यहाँ पर कंप्लीट क्वेश्चंस बता रही हूँ और उनके आंसर्स बता रही हूँ। पूछ रहे हैं ना सर्टेन क्लास द रेशियो ऑफ अ मैन टू द वुमेन इज 3/5। इफ द क्लास हैज 24 पीपल इन इट हाउ मेनी आर वुमेन। तो रेशियो आपने निकालना है तो रेशियो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 3/5 का रेशियो होता है 15, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास 15। फर्दर आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन है इफ आरएफ कैन रीड 39 पेजेस ऑफ द बुक इन द हाफ आवर। अगर आरएफ ने 39 पेजेस जो है वो एक बुक के हाफ आवर के अंदर रीड किए तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश अ बुक दैट इज 1287 पेजेस। अगर यहाँ पर 39 पेजेस हाफ आवर में हो रहे हैं यहाँ कंडक्ट तो आपने बताना है कि यहाँ पर 1287 पेजेस कितनी देर के अंदर वो कंडक्ट करेगा। तो आप यहाँ पर इसकी एडिशन कर सकते हो तो ये 16.5 आवर्स के अंदर टोटल 1287 पेजेस को कंडक्ट करेगा। देन आपके पास यहाँ पे अर्थमेटिक मीन्स के क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा है 3, 6, 9, 12 and 15, तो यहाँ पर आप अपने फिगर ही देख सकते हो कि दोनों के बीच में जो अर्थमेटिक है वो आपके पास 9 है तो करेक्ट आंसर आपके पास 9 रहेगा। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट कैन सॉल्व क्यू क्वेश्चंस इन हाफ एन आवर। एक स्टूडेंट है जिसने क्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया हाफ एन आवर के अंदर, एट दिस रेट हाउ मेनी क्वेश्चन कैन शी सॉल्व इन क्यू आवर्स। अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है उसने 1/h आवर के अंदर क्यू क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो आप बताओ कि क्यू क्वेश्चंस जो होंगे वो उसने कितने रेट में यहाँ पर कंडक्ट किए होंगे। तो आप यहाँ पर अगर इसको देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपके पास 2 क्यू है तो क्यू क्यू हो जाएगा और आपके पास ऑलरेडी आवर का एक एच है तो वो एक आपके पास सिंगल एच आ जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पर आपके पास एच क्यू टू विल बी योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा माइंड ट्रिकी सा क्वेश्चन है मैथ्स एंड नॉलेज से रिलेटेड, तो आप इसको कंडक्ट
कर सकते हो। देन आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड नंबर। फर्स्ट 70 ऑड नंबर का सम क्या होगा? 4900 विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्दर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। बनो काबिल लाहौर से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहता है, इफ अहमद परचेज अ वॉच फॉर 600 एंड पे 15% सेल टैक्स, द अमाउंट स्पेंडेड ऑन द परचेज इज। अगर अहमद ने जो है वो 600 रुपए की घड़ी ली है और वो 15% सेल टैक्स दे रहा है तो टोटल अमाउंट कितना होगा? तो 690 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आप इसको मैथमेटिक्स मीन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे मैथमेटिक्स मीन के क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके भी बताऊं पेपर के ऊपर, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बिल्कुल मत भूलिए। देन हमारे पास क्वेश्चन है, गफूर वेंट टू द स्टेशनरी एंड ब्रॉट थिंग्स वर्थ 25 आउट ऑफ विच 30 पेस वेंट ऑन द सेल टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेज। इफ द टैक्स रेट वॉज 6% देन व्हाट वॉज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम्स। अच्छा, अगर यहाँ पर एक जो है स्टूडेंट जिसका नाम गफूर है, उसने वर्थ रुपीज 25 के जो है यहाँ पर थिंग्स बाउट की है और 30 पैसा का जो है उसके ऊपर आपको टैक्स जो है उन्होंने कंडक्ट किया है, तो आपने बताना है कि अगर टैक्स रेट 6% होगा तो कितना टैक्स जो है वो आइटम्स के ऊपर फ्री होगा। तो 19.70 विल बी योर करेक्ट आंसर। देन आपके पास क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर इज। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर का एवरेज क्या होता है? आपके पास 10 होता है। आपने याद रखना है कि एवरेज का क्वेश्चन पहले भी आया था, जब हमने एवरेज ऑफ 70 ऑड नंबर्स पूछा था तो वो 4900 थे और यहाँ पर फर्स्ट ऑड नंबर का जो हमारा एवरेज है वो 10 है, तो आपने दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट आउट नहीं करनी। देन हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड रुपीज 3300 दिस वॉज 75 ऑफ हिज मंथली इनकम, हिज मंथली इनकम इज। तो आपने बताना है कि अगर एक आदमी ने स्पेंड किए हैं 3300 रुपए जो कि 75% है उसकी इनकम का, तो आपने बताना है कि टोटल इनकम कितनी है। तो 4400 रुपए इसकी टोटल कंडक्ट इनकम है। यहाँ पर आप जो है वो फॉर्मूला कंडक्ट करोगे। देन यहाँ पर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर पूछ रहा है, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड, तो यहाँ पर रेडियस करेक्ट ऑप्शन है। इन एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल ईच ट्रायंगल इज ऑफ, आपने बताना है कि हमारे पास अगर इक्विवेलेंट ट्रायंगल होता है तो ईच ट्रायंगल आपके पास कितने एंगल का होता है। तो 60 विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्चुअली 60 विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोबोल एंड जावा आर द एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये कंप्यूटर सेक्शन से आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंडक्ट किए गए हैं। बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस आर, जो फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर पूछा गया है, ये वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। स्मॉल यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम आपके पास बिट कहलाता है और 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। ये क्वेश्चन बनोकावल का राज में पूछा गया था, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मैंने बनोकावल का राज के लिए वीडियो को कंडक्ट आउट किया है अपने चैनल के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है, यहाँ पे बनोकावल एग्जाम आंसर के नाम से, आपने इस वीडियो को लाजमी चेक आउट करना है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि इस वीडियो के अंदर से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके लाहौर के एंट्री टेस्ट के अंदर, बेसिकली जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, यहाँ पर लैटिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो चार्ल्स बैबेज विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑल कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन दिस एसिड, ऐसा कौन सा एसिड है जो कि सब कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स कंडक्ट करती है? तो वो कार्बोनिक एसिड होता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज यूज इन द मैनुफैक्चर of ink, polish, carbon paper, carbon black will be the correct option. Then आपके पास computer section से एक और question है, www stands for, तो इसका correct answer रहता है World Wide Website। आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक बनोकावल लाहौर के लिए उससे related information के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑल इन्फॉर्मेशन बनोकावल लाहौर से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। देन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इट इज द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ द आइटम, तो इलेक्ट्रॉन हमारे
हमारे पास लार्जेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एटम का। देन आपको इस्लामिक सेक्शन से बेसिकली जनरल नॉलेज सेक्शन से क्वेश्चन है, इन सूरह कहफ व्हिच एनिमल्स मेंशन अलोंग विद द असाबिक कहफ, तो अ डॉग विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड देन आपके पास यहाँ पर हमारे पास जो कुछ और क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, माई फादर वॉज एंग्री डैश एट माई फेलियर, तो मेरे फादर जो थे वो एंग्री थे मेरे फेलियर के ऊपर। गिवन ऑप्शन के अंदर द हू एंड गो था हमारे पास। देन हमारे पास क्वेश्चन है द मोस्ट एब्रेंट एलिमेंट, द मोस्ट एब्रेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन विल बी योर करेक्ट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी क्वेश्चन है इस टेस्ट से रिलेटेड वो है द सन इज अ स्टार, यहाँ पे स्टार मून इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन गिवन ऑप्शन थे। तो ये था हमारा काफी अच्छे सा बनो काबिल लाहौर से रिलेटेड एप्टीट्यूड टेस्ट या कह लो कि एंट्री टेस्ट जो कि कंडक्ट किया जाएगा उससे रिलेटेड पेपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से बता दूं कि बनो काबिल से रिलेटेड जितने भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट आउट किए गए हैं उनके पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आपने बनो काबिल एग्जाम आंसर 2023 की इस वीडियो को जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है लाजमी चेकआउट करना है आपके एंट्री टेस्ट के लिए। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे डेमो एग्जामिनेशन भी अवेलेबल है बनो काबिल 2.0 एग्जाम आंसर के नाम से, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों वीडियो को इस टेस्ट के अलावा लाजमी चेकआउट कीजिए। फर्दर किस तरीके से बनो काबिल के अंदर प्रोसेस कंडक्ट करना है, किस तरीके से वर्किंग करना है, वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको सेपरेटली बता रखा है। साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप लाहौर से ताल्लुक रखते हैं या पंजाब के किसी भी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और काफी अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ई रोजगार प्रोग्राम्स भी ओपन अप हो गए हैं, तो आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते हो। मैं अपने चैनल के ऊपर उससे रिलेटेड भी ऑल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह 5 नवंबर के दिन जब आपका बनो काबिल का एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट हो रहा है तो मैं वहां पर ही होंगी और आपको कम्प्लीट हेल्प भी सुनाई में प्रोवाइड आउट करूंगी। साथ ही साथ बनो काबिल से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन की अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक बनो काबिल से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल से रजिस्ट्रेशन वीडियो को चेकआउट कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिए और खुद की रजिस्ट्रेशन कराइए बनो काबिल लाहौर के लिए। बनो काबिल बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है कराची के अंदर और यहाँ पर यूथ को बहुत अच्छी तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड आउट कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लाहौर के लोगों के लिए भी ये सेक्टर काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आप अपने लिए अच्छे अच्छे स्किल सेट सीख कर आसानी से अपने ऑनलाइन करियर को बूस्ट कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।